नेक्स्ट हमारा पेज है पेज नंबर 9। पेज नंबर 9 पे हमें क्या दिए हुए हैं, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन नेम्स अ ग्रुप, यानी किसी भी ग्रुप को जो है हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे टीम ऑफ प्लेयर्स होता है, यानी प्लेयर्स की पूरी टीम है, पूरा एक ग्रुप है, तो उसको टीम कहते हैं। हर्ड ऑफ काउस, यानी पूरा रेवड़ होता है गाय का, तो उसको हर्ड ऑफ काउस, यानी जो ग्रुप का पूरे जिसमें मेंबर्स मौजूद हैं उसका एक नाम होता है ग्रुप का, तो उस वो जो है कलेक्टिव नाउन कहलाता है। कैसे मैच करने हैं ग्रुप्स, और ये सारे ग्रुप्स दिए हुए हैं और ये मेंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो हमें मैच करने हैं फ्लीट शिप्स, ठीक है, गैगल गीस, गैलेक्सी स्टार्स, जैसे जो है आसमान पे सिर्फ स्टार्स मौजूद होते हैं बहुत सारे, तो पूरा एक गैलेक्सी कहलाता है जब बहुत सारे स्टार्स का ग्रुप मौजूद हो। तो पॉड वेल्स, आर्मी आर्म्स, ठीक है, फ्लोटीला बोट्स, क्लाउड डस्ट, स्वाम्प बीज, रेजिमेंट सोल्जर्स, रेंज माउंटेन्स, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें सर्कल करना है करेक्ट वर्ब एंड प्रोनाउंस को। द ऑर्केस्ट्रा पैक्ड अप इट्स या देयर, ठीक है, इसमें से हमें सेलेक्ट करना है। इंस्ट्रूमेंट एट द एंड ऑफ परफॉर्मेंस, इसमें जो है हम जो है हमारे पास वर्ब क्या है, पैक्ड है, ठीक है, और इट्स हमारा प्रोनाउन। ऑर्केस्ट्रा जो है उसने अपना जो है इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो पैक करे जब परफॉर्मेंस ख़त्म हो गई। ऑर्केस्ट्रा क्या होता है, जो बहुत सारा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो उस पूरे जो है उसको ऑर्केस्ट्रा कहते हैं, जो जो है वो म्यूज़िक बजा रहे होते हैं, ठीक है। अ मॉब ऑफ इमोज, इमोज एक बर्ड का नाम है, ठीक है, आर रोमिंग अक्रॉस द ट्राई इनलैंड प्लेन्स, ठीक है। अंडरलाइन करते जाइएगा, जितने अंडरलाइन हैं वो वर्ब हैं और जो टिक लगे हुए हैं वो कौन है, प्रोनाउंस है। द गैंग ऑफ वर्कर्स, यानी वर्कर्स का एक पूरा गैंग जो है, वॉज असाइंड इट्स देयर जॉब ऑफ द डे, तो असाइन किया गया एक पूरे वर्कर्स के ग्रुप को उनकी जॉब के लिए, ठीक है। अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स शेयर्ड देयर व्यूज़ ऑन ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, यानी पैनल था एक एक्सपर्ट्स का, पूरा ग्रुप था, उन्होंने अपने व्यूज़ जो हैं वो शेयर किए, तो देयर यानी बहुत सारे थे तो इसलिए देयर, ठीक है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज़ या हैव रीच्ड अ डिसीजन, यानी डायरेक्टर्स का एक पूरा बोर्ड जो है वो पहुँचे कहाँ पर, अपने डिसीजन पर। अ क्लंप ऑफ ट्रीज नियर द फार्म गेट इज़ ऑन फायर, ठीक है। द डेट पेयर ऑफ शूज़ बिलोंग्स टू हिम, यानी ये जो वो जो शूज़ का पेयर था वो किस पे बिलोंग करता है, उस बंदे से, यानी जिसके थे, ठीक है। थर्ड है हमारा चूज़ करना है कलेक्टिव नाउंस इस लिस्ट में से और कंप्लीट करने सेंटेंस। तो आर ट्रूप ऑफ डांसर्स, ट्रूप यानी डांसर्स का एक पूरा ग्रुप है, विल परफॉर्म द बैलेट स्वान लेक, यानी वो जो है परफॉर्म करेगा इस जगह, ठीक है। द कार रेस ड्यू अ बिग क्राउड ऑफ स्पेक्टेटर्स, जो कार रेस जो है वो देख रहे थे कौन, बहुत क्राउड था स्पेक्टेटर्स देखने वालों का। डस्टबिन शफर द पैक ऑफ कार्ड्स, यानी पैक ऑफ कार्ड्स, कार्ड्स का बहुत सारा कार्ड्स जब जमा करें तो वो पैक कहलाते हैं। अ लार्ज क्राउड चेयर्ड द विनिंग बोट क्र्यू, बोट में जो लोग सफ़र कर रहे होते हैं वो क्र्यू होते हैं, जो मतलब उनका अमला होता है, जो काम करने वाले भी होते हैं उनको क्र्यू कहते हैं। वी आर रीडिंग एन एंथोलॉजी ऑफ पोइट्री बाय बेंजू पैटरसन, यानी हम रीड कर रहे हैं किसको, बेंजू पैटरसन की एंथोलॉजी को, ठीक है, पोइट्री की एंथोलॉजी को, सही है। इस तरह से पेज नंबर 9 कंप्लीट हो गया।